हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन इकोलॉजी पार्ट टू। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो फॉरन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहे हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, डिस्पर्शन पैटर्न, डेमोग्राफिक्स, इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सर्वाइवरशिप कर्व और एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सर्वाइवरशिप कर्व। तो सर्वाइवरशिप कर्व का मतलब आप जैसे नाम से हम समझ सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर सर्वाइवल यानी कि यानी कि यंग एज में सर्वाइविंग कैपेसिटी कितनी है, मिडिल एज में कितनी है या ओल्ड एज में कितनी है। तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर सर्वाइविंग रेट क्या है उसको हम एक कर्व के रूप में देखते हैं। उसके आधार पे हम तीन टाइप के कर्व्स बनाते हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दूसरी बात, सर्वाइवरशिप जो है वो कंस्ट्रक्टेड फॉर अ गिवन कोहोर्ट। तो कोहोर्ट का मतलब ये होता है किसी भी पॉपुलेशन की जो इंडिविजुअल है या उसके जंतु है उसकी एक ही एज के जो इंडिविजुअल है उसको हम अगर एक जगह रखें तो वो कहलाता है कोहोर्ट। ये किस पे बेस्ड है? लाइफ टेबल के अकॉर्डिंगली, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द लाइफ टेबल, यानी कि लाइफ के डिफरेंट एजेस के अंदर उसकी क्या संरचना है या क्या उसके कार्य हैं। तो देखते हैं हम थ्री टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व। ये इमेज आपको दिख रही है जिसमें थ्री टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व को डिटेल में बताया गया है। तो ये बनाया गया है किसके बीच में? सबसे पहला है इसका परसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग। तो सबसे पहला जो कर्व का आधार क्या है कि कितने परसेंट इंडिविजुअल है उस पॉपुलेशन के अंदर वो सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरा है इसका टाइम, समय के साथ कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं, सबसे पहला कर्व जो है उसका है वो है टाइप फर्स्ट कर्व। फर्स्ट कर्व है वो जनरली कहलाता है हाईली कॉन्वेक्स टाइप का। तो यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कैसा है, हाईली कॉन्वेक्स टाइप का। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे उसकी बर्थ है, ये सबसे पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एरिया बर्थ है, और जैसे जैसे एज बढ़ रही है उसकी तो सर्वाइविंग इसकी गुड है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये ओल्ड एज आती है, या हम क्या ये हमें दिख रहा है टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यानी कि इसकी एज बढ़ रही है तो इसकी जो सर्वाइविंग कैपेसिटी या जो इसका डेथ रेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस टाइप के कर्व को हम क्या कहते हैं, टाइप फर्स्ट कर्व। तो टाइप फर्स्ट सर्वाइवरशिप कर्व आर कैरेक्टराइज बाय हाई सर्वाइवल इन अर्ली एंड मिडिल लाइफ फॉलोड अ रैपिड डिक्लाइन इन सर्वाइवरशिप इन लेटर लाइफ। तो शुरू की और बीच की ज़िंदगी में तो इस टाइप के एनिमल्स में सर्वाइवर क्या कैसा होता है, हाई होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसकी मृत्यु दर की चांसेस क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। जो टाइप सेकेंड कर्व है वो है इंटरमीडिएट टाइप का। इसमें जो सर्वाइविंग कैपेसिटी है वो रफली कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि जो मृत्यु दर या मोर्टेलिटी है उसकी बर्थ से लेके और उसके जो भी ओल्ड एज तक कैसी रहती है, समान रहती है। क्या आप देख सकते हैं जो इसका बीच वाला दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन, इसका एग्जांपल है सोंग बर्ड्स, यानी कि एक स्पेशल टाइप की बर्ड है जिसके अंदर सर्वाइवरशिप कर्व कैसा आता है, स्ट्रेट आता है। नाउ थर्ड जो हमारा है वो कैसा है, टाइप थर्ड कर्व है। जो उसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि ग्रेटेस्ट मोर्टेलिटी इज़ एक्सपीरियंस अर्ली इन लाइफ, यानी कि उसकी अर्ली लाइफ में यानी कि चाइल्डहुड में या बच्चों के वक्त में उसकी जो मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो मृत्यु दर उसकी कम होती जाती है और उसका जो सर्वाइविंग कैपेसिटी वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। तो इस टाइप का जो कर्व है उसका शेप कैसा होता है, हाईली कॉनकेव। इसका एग्जांपल फ्रॉग है और दूसरा इसका एग्जांपल देख सकते हैं, इसका ये है आपका फ्रॉग। नेक्स्ट है आपका
पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये हो गया आपका सर्वाइवरशिप कर्व्स के बारे में। अब आता है आपका टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन की वृद्धि किस तरह से हो रही है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट रिफर टू हाउ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद टाइम। समय के साथ पॉपुलेशन की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है या कितनी उसकी कमी हो रही है, ये क्या कहलाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इससे पहले के लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, या पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगी और डिक्रीज कब होगी। तो इंक्रीज कब होगी, जब बर्थ रेट ज़्यादा होगी, या क्या होगा उसके अंदर, इमिग्रेशन, यानी कि बाहर से आके ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन में मिल जाएंगे तो पॉपुलेशन की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी। सिमिलरली मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट, कितने अगर उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा या ज़्यादा संख्या में उसके इंडिविजुअल्स मर रहे हैं, उससे उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। और दूसरा इमिग्रेशन यानी कि उस पॉपुलेशन को छोड़ के अगर कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म बाहर चले आते हैं तो ये पॉपुलेशन को क्या करता है, साइज़ को या ग्रोथ को डिक्रीज करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ के बेसिस पे मैथमेटिकली हम दो फॉर्मूले से पढ़ते हैं पॉपुलेशन को, और इसको डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। सबसे पहला टाइप जो है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये आप देख रहे हैं फार्मूला, इसको आपको ध्यान से समझना है। तो ये है फार्मूला किसका, मैथमेटिकल फार्मूला जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। तो इसमें आप देख रहे हैं डी एन बाई डी टी आर मैक्स एन, तो ये इसका जनरल फार्मूला है, जिसमें एन क्या है, पॉपुलेशन की संख्या है यानी कि जनसंख्या के नंबर है, और आर एन जो दिखा रहा है आपको वो क्या है, रेट ऑफ चेंज, यानी कि इस तरह से पॉपुलेशन की ग्रोथ में बदलाव आ रहा है। तो ये हो गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दूसरी टाइप की जो है वो आपकी है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जब आप फॉर्मूला देख रहे हैं तो इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। ये है डी एन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के। तो इन जो फार्मूलाज है या इन इक्वेशंस को हम डिटेल में कमिंग स्लाइड्स में समझेंगे। सबसे पहले हमको समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कि जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन की संख्या कैसे बढ़ रही है, जो अपने हाथ में नहीं है और तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, इसको हम कहते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी कहते हैं। जो आपको उसमें फर्स्ट वाला जो कर्व दिख रहा है, इसका पॉपुलेशन की ग्रोथ है यानी कि इंक्रीज़ कैसा हो रहा है। जैसे यहाँ से पॉपुलेशन ग्रोथ होना शुरू हुआ है, तो इंक्रीज़ होते 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 कैसा हो रहा है, ये कंटिन्यूस इसमें ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, और ये ग्रोथ कैसी, एक्सपोनेंशियल। और दूसरा जो आप देख रहे हैं कर्व इसका, वो कैसा है, सिग्मोइड शेप का, इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसमें आप जो कर्व देख रहे हैं वो कैसा है, सिग्मोइड शेप का, ये यानी कि एस टाइप का शेप है। इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं कि जो जीरो से जो स्टार्ट हुआ है इसका, उसका हम कह रहे हैं रेट ऑफ एसिलेट, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो इंक्रीज़ हो रही है, और कुछ टाइम बाद जो बीच का पॉइंट हमको दिख रहा है वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो वो कौन सा पॉइंट होगा, जब एन बराबर होगा किसके, के बाय टू। उसमें एन जो है वो जनसंख्या का नंबर है, पॉपुलेशन का नंबर है, और के जो है इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। और जैसे ही यहाँ देख रहे हैं हम ऊपर पहुँचाएँ तो ये क्या है, तो इस कर्व से जिसको हम कह रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, उससे आप क्या समझ सकते हैं। इससे पहले आपको समझना होगा अबाउट इट्स कैरिंग कैपेसिटी, कि कैरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं, ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। ये हमने दोनों के कर्व देखे, अब इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो इफ़ ए पॉपुलेशन हैज़ अ कॉन्स्टेंट बर्थ रेट थ्रू टाइम एंड इज़ नेवर लिमिटेड बाय फूड और डिजीज़, इट हैज़ व्हाट इज़ नॉन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कि किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ इस तरह से हो रही है कि उसको खाने से, पीने से, कोई डिजीज़ से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बस वो एक अनलिमिटेड तरीके से क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया या जो बिल्कुल जो सूक्ष्म जीव है, छोटे जीव, किस तरह से उनके अंदर ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन की जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है, जैसे दो है, दो से चार है, चार से आठ, आठ से सोलह है, इस तरह से किस तरह से उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती जाती है, और एक से वो कुछ टाइम में हज़ार हो जाते हैं। विथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द बर्थ रेट अलोन कंट्रोल हाउ फास्ट,
तो एक कारक, ये एक फैक्टर जो निर्भर करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, वो क्या है, उनकी बर्थ, यानी कि जन्म कितने हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, किस तरह से बर्थ हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे करेगी, डिपेंड करेगी। यहाँ हम फॉर्मूला देख रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का एक्सपोनेंशियल में डी एन बाई डी टी आर एन, यानी कि डी एन बाई डी टी से हम क्या समझ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन नंबर, जो किस पे निर्भर कर रही, डायरेक्ट आर एन, यानी कि किस तरह से उसकी रेट चेंज हो रही है, मतलब पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस गेट लार्जेस्ट, जैसे जैसे पॉपुलेशन की जनसंख्या की संख्या बढ़ेगी तो उसकी रेट ऑफ इंक्रीज भी बढ़ेगी। कैसे, जैसे कि एक बैक्टीरिया से दो बनेंगे, तो अगर दो बन गए तो दो से अब चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, तो इसी तरह से उसकी रेट भी, पॉपुलेशन की रेट, क्योंकि चारों एक साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, हर एक वापस दो बना रहा, हर एक वापस दो बना रहा, इस तरह से जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज भी और बढ़ता रहेगा। इसका जो एग्जांपल है हमें यहाँ देख सकते हैं, ये एग्जांपल है बैक्टीरिया का, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, तो ये कर्व आपको दिखा रहा है किस तरह से नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल टाइम के अकॉर्डिंगली कैसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। जैसे फर्स्ट 0 मिनट में एक बैक्टीरिया की सेल थी हमारे पास, एक कोशिका थी, देन उसके बाद 20 मिनट के अंदर दो कोशिका बन गई बैक्टीरिया की, और 40 मिनट में फिर चार बन गई, 60 मिनट में 8 बन गई, इस तरह से हम देख सकते हैं कि 12 आवर्स में किस तरह से बैक्टीरिया की एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी तरह से एक अनादर एग्जांपल है, किसका है, ये वूपिंग क्रेन का, तो क्रेन की संख्या भी हम देख सकते हैं कि 1940 में इंक्रीज होते होते 2005 में किस तरह से उनकी ग्रोथ हुई, और 22 थी उसकी संख्या जब 1940 थी, और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई और कितनी बन गई, 220। नेक्स्ट हमारी ग्रोथ का टाइप आता है लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। कैरिंग कैपेसिटी जिसको हम डिनोट कर रहे हैं के से, तो इज़ दी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी एनवायरनमेंट की कैपेसिटी या एनवायरनमेंट की एक क्षमता है कि वो एक पॉपुलेशन के कितने, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक बॉक्स है उसके अंदर हम 20 एप्पल रख सकते हैं, तो 20 से 21 एप्पल उसके अंदर हम रखेंगे तो उसके अंदर उतनी स्पेस नहीं है। उसी तरह से जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसकी भी एक क्षमता है, तो उतनी ही पॉपुलेशन को वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो जैसे कि कोई भी एक नया एनवायरनमेंट है, वहाँ कोई पॉपुलेशन की ग्रोथ शुरू हुई है स्टार्ट से ए से, और वहाँ पे उसके लिए खाना पानी रिसोर्सेस सब लोग अच्छे से उसको उपलब्ध हैं, तो धीरे धीरे उस पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ेगी तो वो रिसोर्स उसको क्या करेगा, ज़्यादा यूज़ करने लगेगा, रहने की जगह कम पड़ जाएगी, खाना कम पड़ जाएगा, इसी तरह से जो डिफरेंट रिसोर्सेज उस एनवायरनमेंट में मौजूद है उस पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए वो क्या हो जाएंगे, उसके लिए कम होने लगेंगे, तो कम होने लगेंगे रिसोर्स, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली वो पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और एक लेवल पे आके और स्टैटिक हो जाएगी, उसको हम कहते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि उस एनवायरनमेंट की क्षमता इतनी है, उसके बाद वो और जनसंख्या को या पॉपुलेशन को अपने अंदर नहीं रख सकता, तो उस लेवल को हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो एज रिसोर्सेज आर डेप्लीटेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लोस एंड इवेंचुअली स्टॉप्स। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाया कि अगर रिसोर्सेज जैसे जैसे ख़त्म होने लगेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ अपने आप स्टॉप हो जाएगी। इसका जो फॉर्मूला है हमने अभी देखा, डी एन बाई डी टी आर एन, वन माइनस एन बाई के। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो ये नंबर्स दिए हैं उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डी एन बाई डी टी, डी जहाँ पे लगाया है, डी का मतलब होता है चेंज, यानी किस तरह से बदल रहा है, और एन जो है वो क्या है, उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स, तो डी एन मतलब चेंज इन नंबर, जितनी संख्या है पॉपुलेशन में एनिमल्स की उसका चेंज। डी टी का मतलब होता है चेंज इन टाइम, यानी कि समय में कैसे तरह से बदलाव हो रहा है। टाइम जैसे जैसे समय बदल रहा है तो उस तरह से पॉपुलेशन का
नंबर भी किस तरह से चेंज हो रहा है, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर मैक्स। तो आर जो है वो इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है, यानी कि कितनी मात्रा में पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, या नंबर रेट किस रेट में बन रही है, 2 से 4 बन रहे हैं या 4 से 8 बन रहे हैं या 1 से 2 बन रहे हैं, उसकी रेट क्या है। 1 साल में 5 बन रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंक्रीज। वहीं जो एन हमने देख लिया वो है पॉपुलेशन साइज, और के हम किससे डिनोट करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी से। तो यहाँ ये जानने वाली बात है कि जैसे कि एज अ रेशियो एन बाय के इंक्रीजेस पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज, इसका क्या मतलब हुआ। तो इस फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि 1 माइनस एन बाय के, तो हम रेशियो किसका बात कर रहे हैं, एन बाय के। एन जो है वो जनसंख्या है, मेंबर है, के उसकी कैरिंग कैपेसिटी। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, इस फॉर्मूले में यहाँ देखेंगे जैसे जैसे हमारी इसकी एन की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसका रेशियो क्या होता जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो ये जो पूरा रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे इसका रेशियो इंक्रीज होगा यानी कि कैरिंग कैपेसिटी हमारे के पास क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उसी तरह से इस फॉर्मूले में दूसरी तरफ अगर हम देखें कि व्हेन एन नियर्स के द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन नियर्स जीरो, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, एन नियर्स के यानी कि जनसंख्या जितनी होनी चाहिए या नंबर ऑफ पॉपुलेशन इक्वल हो गई किसके बराबर, कैरिंग कैपेसिटी के बराबर। यानी कि इस फॉर्मूले में अगर हम देखें कि एन जो है आपका वो बराबर हो गया के, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी डी एन बाई डी टी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब अब पॉपुलेशन की कोई ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। यानी कि अगर हम यहाँ पे एन की जगह हम यहाँ पे क्या रख दें, के रख दें, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो के बाय के क्या हो गया, 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया हमारे पास, 0। और यहाँ पर अगर इस एन को हमने किससे किया, इसको मल्टीप्लाई किया है एन से, और 1 n-n क्या हो गया इसका, 0 हो गया। तो फाइनली अगर हम देखें कि ये संख्या पूरी हमारे पास 0 हो गई, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एन से, तो डी एन बाई टी टी इक्वल टू क्या हो गया, ये सारी संख्या क्या हो गई, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो 0 हो गया, यानी कि कोई भी पॉपुलेशन के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि वो पॉपुलेशन किस लेवल पर पहुँच गई है, कैरिंग कैपेसिटी लेवल पर।